तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज वीडियो में दोबारा से खेलने जा रहा हूँ मजूबा। मजूबा में कहता है, आप लोगों को पता ही होगा भाई, कुछ भी ज़्यादा नए अपडेट वगैरह तो आए नहीं है। बस ये कि जैक जैक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बफ कर दिया है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है जैक। और ना थोड़ी बहुत स्किन्स आई हैं, जो कि आपको पता ही होगा, एक तो बैटरी की स्किन आई है हमारी, और एक अपनी लुई की लेजेंडरी वाली स्किन आई है। तो लुई की लेजेंडरी वाली स्किन है, उसमें तो कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं है, उन लोगों ने बस ऐसे ही बना के कलर चेंज कर दिया है, बस ऐसा लग रहा है। या देखो, ये वाली पुरानी लेजेंडरी स्किन है, मुझे नई वाली लेजेंडरी स्किन है, ये वाली है। तो आप लोग देख रहे हो, कुछ भी ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है, बस मेरे को कलर का ही ज़्यादा अंतर लग रहा है। और हमारी एक बैटसी की स्किन है, वो वाली भी अच्छी है बैटसी स्किन, पर वो वाली तो नॉर्मल स्किन है। बैटसी ये रहा इसकी, तो ये वाली नॉर्मल स्किन है, वो जो कि आप लोगों ने देख ही रखी होगी। तो ये मेरे पास जल्दी से अनलॉक हो जाएंगी, जब भी अनलॉक हो जाएगी तो मैं टाओ गेम वाले पास जरूर डालूंगा। तो बाकी आज वाली वीडियो में गाइस हम लोग खेल लेते हैं जेड से, और जुबा में गाइस न्यू मोड भी शायद जल्दी आ जाए तो बढ़िया रहे, पर मेरे को लग रहा है कि जुबा का नया मोड आने ही वाला है, लाइक ऐसे समझ लो 1-2 महीने में आ जाए। अभी वैसे कोई र्यूमर तो नहीं है, बट मैं अपने हिसाब से थोड़ा बता रहा हूँ कि हाँ भाई 1-2 महीने में आ सकता है, क्योंकि मैंने पूछा था तो बताया था उन लोगों ने कि अगले बीटा में खेलने मिलेगा ऐसा कुछ, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आ जाएगा गेम में। और बाकी गाइस हम लोगों को यहाँ पर भाला वाला मिल चुके हैं, और एक कार्ड यहाँ पर भी है, तो इसको मार लेते हैं। मेरे पास वही इन्फिटेबल मसल है, तो इसको स्टैक करना होगा। और मेरे से गाइस कोई कमेंट में पूछा था स्टैक कैसे करते हैं, तो स्टैक के लिए गाइस वो इन्फिटेबल मसल आता है ना इवेंट में से मिलता है, तो वो होना चाहिए आपको आपके पास। तो उसके बाद अगर आप जितने भी किल करोगे, लाइक 7 किल तक आप स्टैक होते रहोगे, जिससे आपकी थोड़ी बहुत डैमेज बढ़ जाती है और आपकी हेल्थ बढ़ जाती है, तो उससे ये फ़ायदा होता है। ओके, तो यहाँ पर लेवल 13 की पेपर है, इसे मारते हैं पीछे से। अरे भाई, इसने सोची भी नहीं होगी इसे जल्दी मार दे। पेपर पर कुछ लोग फेरोमोन एसेंस लगा के घूम रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रही है पेपर, क्योंकि पेपर को भाई क्लोज रेंज में जाके मारना पड़ता है, बट वो फेरोमोन एसेंस से बार बार बच जाती है। इस वजह से लेवल 8 की फजी यहाँ पर क्या कर रही है भाई, यहाँ पर कौन है, कौन उधम बजा रहा है? अच्छा लेवल, ओए यहाँ पर तो लेजेंडरी बॉम है। एक मिनट, मैं इसे पहले मारता हूँ, इसे लेजेंडरी बॉम लेने दो पहले, मैं लूँगा। अरे भाई नहीं, मैं नहीं लूँगा, रहने दो, मैं ले ही नहीं रहा, मैं तो छोड़ दिया, मैं तो खुद लो जिसे लेना है लेक्सन ले लिया, बढ़िया। हेल्थ किट का जो कॉलर हो जाए ना, तो बढ़िया रहेगा ना थोड़ा। मैं गया, मुझे लग रहा मैं गया, मेरे पास रेड एलियन नहीं है, मैं गया। वो बच गया, मैं नहीं बचा, मैं गया हूँ, ठीक है। ड्यूकी की हेल्थ वैसे कम है, हम आराम से ड्यूकी को मार सकते हैं, हेल्थ ड्यूकी की कम है। ये नेक्स से पता है बंदा अच्छा नहीं खेल रहा, पता नहीं सर सी को समझ नहीं आ रहा है, नेक्स से बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहा। लेजेंडरी बेपन है इसके पास, तब भी मरने वाले हैं, बस थोड़ा सा और ड्यूकी मर जाएगा, इसके पास हेल्थ नहीं है। लेवल 16 का ड्यूकी मरने वाला है, हेल्थ नहीं है इसके पास, उसे हेल्थ मत लेने दे। हाँ बढ़िया, हेल्थ मत ले, रुक गया, बाकी तो मैं देख लूँगा। चलो बढ़िया भाई, लेवल 16 के बंदे ने अच्छा कैसा भी खेला, बट अच्छा खेला। मारने में थोड़ा कंजूसी दिखा रहा था ये ड्यूकी, वो 2 मिनट में मर जाता अगर उस पर अटैक करता ढंग से। तो फाइनली उसने बचा लिया भाई एडलिन, मेरे पास पूरी हेल्थ ही खत्म हो गई थी, तो एडलिन की तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर एक बंदा और बचा हुआ है, वो कहीं ना कहीं छुपा होगा, उसे और देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा गाइस एक बंदा, चलो ये 2 मिनट में मर गया भाई एक बंदा। तो गाइस अभी मैं सोचा हूँ कि भाई जेड के बाद हम लोग खेलते हैं फिन से, क्योंकि फिन भी काफ़ी पावरफुल है, और फिर मैंने इन्फिटेबल मसल वगैरह लगा रखी है, तो भाई और ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और लेवल 16 की भी कर लिया मैंने, और जैक भी अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और जैक से हम लोग किसी और दिन खेलेंगे। ओके, तो भाई जल्दी से पेपर उठाते हैं यहाँ पे, और फिर खाने पीने का काम चालू करते हैं। तो ये ले लो, वेपन ले लो, बॉम्ब ले लो, सब चीज़ ले लो। लेवल 13 की लीजिए, लेवल 14 का अपना ड्यूकी, सही है भाई, ड्यूकी स्टन करेगा और मेरी फिन काटेगी, और अपनी लीजिए जो कि हेल्थ बढ़ाने के लिए रहेगी, बढ़िया। तो गाइस यार इस वाले गेम में मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बंदे आए हैं, वैसे इतने छोटे बंदे आने तो नहीं चाहिए, लेवल 7-8 के बंदे आ रहे हैं, पता है मेरे 16 की जीएम बने हुए, ये भी 13-14 के हैं, बंदे कुछ ज़्यादा छोटे आ रहे हैं। देखो लेवल 8 का बंदा है, बस मेरा एक स्टेप हुआ है जब से, मेरे को एक हेल्थ की डली मिल रही है पानी के बीचों बीच, इसमें शायद कोई तगड़ा बंदा हो तो थोड़ा मज़ा आए खेलने में। बाकी एक हेल्थ की डली है, तो उसे मैं लेके आता हूँ, ये रही वो ही, यहाँ तो लेवल 16 का ड्यूकी नहीं बक है, ठीक है आ जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, पहले यहाँ पे हेल्थ किट ले लें। तो मेरे बंदे पता नहीं क्या खेल रहे हैं, दोनों की दोनों नशे वसे करके खेल रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रहा भाई इनका, ऐसा लग रहा है कि इनका डिस्कनेक्शन वगैरह, इनका बॉट खेल रहा है क्या। लेजी तो तब भी ठीक खेल रही है, ड्यूकी का तो मेरे को देखिए ड्यूकी कहाँ जा रहा है, इतनी स्पीड कैसे बढ़ गई इसकी। अच्छा ओके, आ जा भाई, ये आ गई इसे बचाने के लिए, मेरा स्टैक छीनने के लिए आई थी, ऐसे कैसे छीन लेगी। बॉम्ब उठा ली, मैं उठाता हूँ, चलो ठीक है आ जा। और कौन है यहाँ पे, वो लेवल 16 का बक कहाँ गया, उसको काटेंगे, मजा आएगा, मेरे बराबर ही कही है वो वाला बक, इसी के अंदर है सर बंदे सारे, आ जाओ इसी के अंदर है, आ जाओ मैं एक साथ भगूंगा। अच्छा ये तो ये छोटा था, लेवल 16 का बक मर गया क्या, इतनी जल्दी कैसे मर गया, तीन हम लोग हैं, तीन हैं तो 6 बंदे, तो और भी बंदे जिंदा तो होंगे इसमें अभी, तो ये रहा अभी तक मरा नहीं है, ठीक है। पहले इन छोटे छोटे बंदों को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये एंड में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, इसलिए इनको ख़त्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये पीछे से इनको हम लोग मारेंगे नहीं ना, तब भी हमें मारेंगे, इसलिए इनको ख़त्म करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये लेवल 10 का और बचा हुआ है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा।
बच गया यार, मेरा मिस हो गया शायद। एक मिनट पहले हेल्थ केयर बैलेंस के ले लो यार, तभी इससे लड़ना। मेरा अभी स्टैक भी मेरा पूरा वो नहीं हुआ है, 5 स्टैक हुए हैं बस। इसके साथ कौन कौन है? लेवल 18 की गर्ल और आ जाए, इसे मारते हैं पहले तो। चलो ये गया, इसके बाद डीफेब नहीं है। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने डीफेब वीफेब होता तो फालतू में उठा लेता। गया ये तो 2 मिनट में मर गए, ये भी मर जाएगा। लेवल 10 का विक्टोरिया। चलो तो गाइस हम लोग फाइनली ये वाला मैच 2 मिनट में जीत चुके हैं, वो भी फिन से। फिन भाई डेंजर है, फिन स्टीव जेड नेक्सस में काफ़ी ऐसे करेक्टर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजर हो चुके हैं। अब तो शायद जैक भी उस वाली लिस्ट में जुड़ चुका है। तो गाइस आज वाली वीडियो में इतना ही, अगर ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट जो करना। तो आज वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय।